नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। गर्मियों में पसीना आना एक आम बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पसीना ना के बराबर आता है। अगर आप ये सोचते हैं कि पसीना आना एक समस्या है, तो आपको बता दें कि पसीना आना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है और फायदेमंद है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पसीने के साथ ही हमारे शरीर में मौजूद अशुद्धियां जैसे कि टॉक्सिक पार्टिकल्स हमारे स्किन पोर्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। इससे त्वचा को काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को पसीना आता है वे उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा सेहतमंद होते हैं जिन्हें पसीना नहीं आता है। ये बेहद जरूरी जैविक क्रिया है जिससे दूसरी शारीरिक क्रियाएं बेहतर बनती हैं। ऐसे में जब अगली बार आप पसीने से तर हों तो बेचैन होने के बजाय सोचें कि ये एक जरूरी बॉडी का प्रोसीजर है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को पसीना नहीं आता है उन लोगों को किस तरह की समस्या हो सकती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपको धूप लगने का खतरा अधिक है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता है उनके शरीर का तापमान कम नहीं हो पाता, यही वो माध्यम है जिससे शरीर का अंदरूनी तापमान कंट्रोल होता है। कम ही लोगों को पता होगा कि पसीना आने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये रोगाणुओं का सफाया करने का काम करता है जिससे हम कई तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों को स्वेटिंग नहीं होती है ऐसे में वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपको तरह तरह के स्किन डिजीजेस भी हो सकती है। पसीने के साथ ही शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिक पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा स्किन पोर्स में भरे धूल और धुएं के कण भी पसीने के साथ बाहर निकल आते हैं जिससे कील मुहासों की समस्या नहीं हो पाती है। पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकल जाता है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता है उनके शरीर में सॉल्ट और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें किडनी स्टोन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आपको पसीना नहीं आता है तो आपके घाव भरने में भी वक्त लगता है। स्वेद ग्रंथियों में स्टेम सेल्स भी होती हैं जो घावों को जल्दी भरने में मदद करती हैं। ऐसे में पसीना नहीं आना चिंता की बात हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।